गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफसी टाइम्स में। दोस्तों समय हो गया है आज की ताजा खबर का, और आज की ताजा खबर में देखते हैं कि किस न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस लगी हुई है। हेडलाइंस देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम फतेहपुर जिले के कुछ विशेष खबरें, और देखते हैं आज हम सबसे पहले दैनिक जागरण खोलेंगे। दैनिक जागरण की जो प्रथम खबर है वो है अतीक के करीबी बिल्डर समेत 15 ठिकानों पर ईडी के छापे हुए हैं। तो ईडी के छापे ने काफी अच्छा खासा नोट इकट्ठा किया है, वो दैनिक जागरण के प्रथम पन्ने में छपा हुआ है। और इसके साथ राजनाथ सिंह ने रक्षा खर्च के लिए अविश्वसनीय आडे तंत्र की वकालत करी है। साथ ही दैनिक जागरण ने एक और फ्रंट पेज बनाया है अंदर, जिसमें बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में सो रहे सेना के जवानों पर फायरिंग, चार की मौत की खबर छापी है। बड़ी दुखद घटना हुई है बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर, और विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के साथ आए नीतीश कुमार, ये खबर है प्रथम पन्ने में छापी है। दैनिक जागरण ने वकीलों के सम्मान के लिए लड़ने का ऐलान किया, यहाँ पर वकील को जो बार एसोसिएशन है उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम में ये हो रहा है। और स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है, यहाँ पर भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व बताया जा रहा है। पड़ोसी पर 9 इंच जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर खुद को लगाई आग, उन्नाव का मामला है। 10-12 दिन बाद कोरोना के मामले में आने लगी है कमी। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरा फैसला तैयार किए बिना जज नहीं सुना सकते अंतिम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और इसके साथ हम आगे देखेंगे, अपना प्रदेश में देख लेते हैं। पिछले 40 सालों में मूल्यों में गिरावट, सत्य का सम्मान घटा, हाईकोर्ट ने कहा है। बिजनौर में 2.5 लाख इनामी, आदित्य मुठभेर में ढेर। और आशा वर्कर स्कूल में बच्चों को कराएंगी दाखिला, मुख्तार के बेटे उमर की गिरफ्तारी को छापेमारी चल रही है। ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने की मांग पर सुनवाई 6 को होगी। और इसके साथ ही हम अपना प्रदेश जागरण में देख रहे हैं कि पीएम गतिशक्ति मास्टर डेटा निवेश से होगा तेज, मुख्तार अंसारी को 12 करोड़ की बेमानी संपत्ति जब्त हो गई है। और नगर निकाय चुनाव के लिए बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव में ना बड़े संक्रमण, तैयार की जा रही है गाइडलाइंस, और इसमें मास्क लगाना होगा जरूरी, नामांकन खारिज ना हो इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं सपा। और इधर चित्रकूट के मऊ कोतवाली से लघुशंका के लिए उतरे अतीक अहमद, फोटो छपी हुई है। अतीक और अशरफ को लाया गया प्रयागराज, पेशी आज होगी। क्रॉसिंग बंद होने से 15 मिनट तक रुका रहा, अतीक को ले जा रहा काफिला। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 5.5 वर्ष में निरस्त जीएसटी पंजीकरण फिर से हो सकेंगे बहाल। मैनपुरी में छात्रा की मौत मामले में हाईकोर्ट एसआईटी जांच से असंतुष्ट है। तो ये हैं प्रदेश की बड़ी खबरें, और इसके साथ ही यहाँ पर शतरंग जुए वाले गेम पर लगाएगी लगाम गवर्नमेंट, बहुत ही अच्छी बात है, ये अच्छा निर्णय है। इधर राशिफल छपी हुई है अभी हम, और 60 दिन की शूटिंग हुई अनाम उतरेकर, छोटी एक्सरे मशीन से सुगम होगी टीवी की जांच, एक नई टेक्नोलॉजी में नई खबर है, अच्छी खबर है। कार्बन मुक्त लद्दाख का मार्ग प्रशस्त करेगा देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। अर्थ जगत में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 महीनों के निचले स्तर पर आई महंगाई, भैया महंगाई नीचे हो गई है पता नहीं चला। ऋण संकट पर गीता गोपीनाथ से सीतारमण की चर्चा, शेयर बाजार में 8वें दिन तेजी। और इधर देश के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन, आनंद महिंद्रा के चाचा हैं ये। 7 माह बाद दोबारा सुनवाई की मांग, यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मस्थली वाला मामला है। निलंबित रजिस्ट्रार को अनियमितता के 12 आरोपण, जी गई चार्जशीट। और इस तरीके से देश की मुख्य खबरें थी, और हम एक बार देख लेते हैं दे दनादन में। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आईपीएल में नहीं खेलने से डब्ल्यूटीसी फाइनल में विशेष फर्क नहीं पड़ता, स्टोनिस कहते हैं। बल्टन ने राजस्थान को संभाला, मोहाली के लड़कों के बीच आज होगा दंगल। कुछ खिलाड़ी एनसीए के स्थानीय निवासी बन गए हैं, शास्त्री कह रहे हैं। अच्छा, हालैंड के दम पर सिटी सेमीफाइनल से 1 कदम दूर। इधर देश में पहली बार नदी के नीचे चली मेट्रो ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कोलकाता से। अनशन के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, अटकले तेज। देवी पूजा के दौरान अंगारों पर चले संबित पात्रा, कहा धन्य महसूस कर रहा हूं। खड़यंत्र रचने वाले नीत के खिलाफ करें कार्रवाई मनुष्य, स्वार्थ के लिए रेलवे को बना दिया था राजनीति का अखाड़ा, नरेंद्र मोदी ने कहा है। और यह रमजान की नमाज, ये सऊदी अरब के पवित्र मक्का से जो फोटो आई है बेहतरीन फोटो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विश्व भारती के कुलपति को किया तलब, टिकट न मिलने पर सवादी ने छोड़ी पार्टी। फैक्ट चेकिंग के सरकार के नए फैसले पर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का विरोध। और इधर 1984 के सिख दंगे मामले में नरसंहार मानने का अनुरोध किया गया है, कैलिफोर्निया असेंबली से निर्वाचित सिख सदस्य जसमीत कौर कह रही हैं। जेलेंस्की ने मदद के लिए मोदी को लिखा पत्र, अच्छा
चीन 16 को हवाई क्षेत्रों के आधे घंटे बंद करेगा। बोले मस्क भारतीय कानून का करेंगे पालन, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाले मामले पे कहा है इन्होंने। म्यांमार सेना के हमले पर 100 लोगों के मारे जाने का ठहराया जायज। अमर उजाला की कुछ हेडलाइंस, अमर उजाला ने क्या छापा हुआ है इसके बाद देखेंगे फतेहपुर जिले की खबरें। बठिंडा सैन्य छावनी में फायरिंग, 4 जवानों की मौत, 2 संदिग्ध पर केस, ये यहाँ पर हेडलाइंस छपी है जो कि दैनिक जागरण की भी हेडलाइंस थी। अतीक की 100 करोड़ की बेमानी संपत्तियों का खुलासा, मुख्तार अब्बास अंसारी को 12.10 करोड़ रुपये की बेमानी संपत्ति जब्त। एक अंक मामले में हाईकोर्ट ने दी 1 हफ्ते की मोहलत। और UGC नेट 2023 का जो आज परिणाम घोषित होना है, 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की दर में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। कुल मिला के बिजली और महंगी हो गई है। युवती की हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव, दुष्कर्म की आशंका। ये जाफरगंज क्षेत्र की घटना है जो कि कल वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली हुई है, अर्धविक्षिप्त, और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। अस्पतालों में अनिवार्य करें मास्क, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। खालिस्तानी समर्थकों पर लगाए लगाम, ब्रिटेन गतिविधियों पर रखेगा नजर, भारत ने कहा है। विपक्ष को एकजुट करेंगे कांग्रेस और नीतीश। हाँ भैया, हम प्रदेश की बात कर लें तो प्रदेश में बेमौसम बारिश से यूपी में खराब हुआ गेहूं, खबर है। अतीक की 50 से अधिक बेमानी संपत्ति और 100 बैंक खातों की जानकारी मिली। और डमी कंपनियां बनाई बिल्डरों के जरिए कालेधन पर खपाया। पुराने फार्मूलों से चुनाव जीतने की आस में बसपा है कि पुराना जो फार्मूला था उनका, उसके हिसाब से जातिगत मामले में उतर करके चुनाव जीतेंगे। 2.5 लाख रुपये का इनामी आदित्य राणा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इधर आरिफ के लिए तरसे नैन, हर हाट पर सारस रहा बेचैन, कानपुर से खबर है जो कि कानपुर में आरिफ का जो सारस था दोस्त, उसको रखा गया है, तो ये खबर है। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर देश विदेश की खबरें। देश विदेश में 7 माह बाद एक दिन में 7500 से ज़्यादा संक्रमित, सक्रिय केस 40,000 के पार। कोरोना के मामले की बात हो रही, वीडियो कॉल पर रेफर होंगे CGSA के लाभार्थी। पूर्व सरकारों ने रेलवे को बनाया था अखाड़ा, हम पूरी तरीके 100 वर्ष पुरानी अखाड़ा हम पूरी कर रहे हैं, 100 वर्ष पुरानी मांगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भैया रेलवे को बेस्ट बना रहे हैं और हमने बना के दिखाया है। पूरा फैसला लिखे बगैर सारांश खुली अदालत में जाए जज। नीतीश का मंत्र नेतृत्व तो नहीं, कामर एजेंडा कर देता है कांग्रेस। येदुरप्पा को गढ़ में घेरने की तैयारी, लिंगायतों पर कांग्रेस की नज़र है। तो ये कुछ इस तरीके की मुख्य खबरें हैं। और अगर हम कल्पवृक्ष में देखें तो यहाँ पे कारोबार खाने पीने की चीज़ें हुई सस्ती, 15 माह में सबसे नीचे आई खुदरा महंगाई। दैनिक जागरण ने भी छापा है और अमर उजाला ने भी छापा अभी कि महंगाई डाउन हुई है, 0.78% के गिरावट आई खुदरा महंगाई में। अच्छा, अरहर की दाल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें राज्य, केंद्र सरकार ने कहा है। भारतीय खिलौना खरीद करेंगी वैश्विक कंपनियां, अच्छी बात है। शेयर बाजार में लगातार 8वें सत्र में तेजी। अब स्पोर्ट की बात करें, जीत की पटरी पर लौटने के लिए भिड़ेंगे गुजरात और पंजाब किंग्स। तो ये इस तरीके से कुछ क्रिकेट की खबरें हैं। बटलर ने लगाया अर्धशतक, राजस्थान ने बनाया 175। रवीना की बिटिया पूरी की 14 साल की तपस्या, अच्छा कुछ नया आने वाला है इनका। सोच ने बदली बल्लेबाजी, अक्षर के लिए गेंदबाजी की प्रमुख प्राथमिकता। और देश विदेश देख लेते हैं, देश विदेश में क्या छपा अभी हम। भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च जीवन स्तर व नौकरी सृजित करने वाली, डेनियल लेक कह रहे हैं। नहीं जानता BBC वृत्तचित्र भारत में ट्विटर से क्यों हटाया, मस्क कह रहे हैं। कैलिफोर्निया असेंबली की मांग, सिख विरोधी हिंसा का नरसंहार करार दें। सड़क कनाडा में सड़क हादसे में भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी की मौत। इस तरीके से ये कुछ मुख्य खबरें थी। अब देख लेते हैं फतेहपुर जिले की कुछ खबरें। अमर उजाला ने फतेहपुर में खबरें जो छापी हैं वो सफाई कर्मियों की कमी से बिगड़ रही है शहर की सूरत, ये हेडलाइंस है। जिला अस्पताल में बड़े ऑपरेशन की दवाएं भी उपलब्ध हो गई हैं जब DCM आए हैं, उसके बाद से ऑपरेशन के बाद दिए जाने वाले इंजेक्शन भी आ गए हैं, पहले नहीं थे। समय से ईदगाह मैदान की करें साफ सफाई, आदेश जारी हुआ है। और इसके बाद फंदे पर लटका मिला महिला का शव, ये खबर फतेहपुर से है। अरहर की कटी फसल में लगी आग, आसपास के भट्टों की जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी। जाफरगंज वाले मामले में जिसमें युवती का शव मिला है। लिपिक समेत 5 को पीट करके मुकदमा, लूटपाट 15 पर मुकदमा। पिटाई के बाद घर में घुसकर महिला से क्या बेहतर था, जाँच शुरू, फतेहपुर का मामला है। और माँ और बेटियों की पिटाई में 9 पर बलवा की रिपोर्ट, 2 घंटे पर IPS की टीम खंगालेगी जेल। मशीन में 17 बार अंगूठा लगवाकर जन सेवा केंद्र संचालक ने उड़ाए 1.70 लाख रुपए, ये बड़ी घटना है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और अक्सर लोगों के अकाउंट से बार बार अंगूठा लगवा करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन भाई साहब ने तो सीधे 1,70,000 रुपये निकाल दिए।
इसमें थोड़ा रोक लगनी चाहिए, सरकार को इसके बारे में समझना चाहिए। बिंदकी से सभासद पद पर पहला नामांकन हुआ है, चलो बड़ी अच्छी बात है। हत्या न होती तो गोरेलाल हो सकते थे नगर पालिका के चेयरमैन बिंदकी। अच्छा, अमर उजाला भैया आपकी तस्वीर हमारे जश्न की शान एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इसमें 7500 से अधिक पुरस्कार देने वाली है, तो भैया सभी लोग अपने जो इसका पढ़िए और फोटो भेजिए सेल्फी खींचते हुए। महिला ने क्रिकेट में सरस्वती विद्यावंदन ने महिला महाविद्यालय को हराया, बंद मिला स्कूल, पूरे स्टाफ का वेतन रोका गया भैया, और बिना जमा मिले डिग्री तो क्यों ले सरकारी कॉलेजों में दाखिला, ये भी बात सही है। स्कूलों में मनमानी वसूली रोके और देश सेवा में रेजर्स की महती भूमिका प्राचार्य कह रहे हैं, तो इस तरीके से खबरें। कुछ अगर हम जॉब अलर्ट पर देख लेते हैं तो AIIMS बठिंडा में अवसर हैं 70 पद हैं, IRDIMAUA करें आवेदन 45 पद हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में 190 पद हैं। दैनिक जागरण में देख लेते हैं फतेहपुर खबरें, 34 साल का इतिहास, आरक्षित वर्ग को मिलेगा ताज अम्बेडकर जयंती, रविवार को होंगे नामांकन, और अध्यक्ष के 62 और सभासद के 561 पर्चे बिके, 2 नामांकन दाखिल, साउथ सिटी में बनाया जाएगा अस्पताल। भाजपा कांग्रेस के पैनल तैयार, सपा बसपा कर रहे इंतजार, 5 वर्ष और बीते कचरा निस्तारण प्रबंधन नहीं हुआ। तो ये फतेहपुर की कुछ मुख्य खबरें हैं, और आगे देखते हैं फतेहपुर जागरण में और क्या खबरें छपी हुई हैं। इधर बिंदकी जो कल हमने बताया था कि आप महिलाओं की समस्या के लिए फ़ोन कॉल करिए, तो जो जिन लोगों ने फ़ोन कॉल किया उनसे उनके प्रश्न और उत्तर यहाँ पर छपे हुए हैं, तो भैया यहाँ पढ़ लीजिएगा आप लोग। बांदा कानपुर मार्ग पर 4 घंटे में लगा जाम, दिन भर रेंग रहे हैं वाहन, मोटे महाशिव मंदिर का मामला कल था, शिव महापुराण कथा हो रही है 20 से। दाता कबड्डी और सरस्वती विद्या मंदिर ने क्रिकेट मारी बाजी, डॉक्टर बोले मैं बाथरूम में था, बंद कक्ष से फोटो खींच गई, ये भी बात सही है। जो बंद वाला मामला आया है, बंद रहता है अस्पताल, गलियों में लटक रहा केबल, बिजली विभाग अनजान। तो इस तरीके से फतेहपुर की खबरें हैं। इधर यहाँ पे 27 वर्ष बाद संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थी भी सक सकेंगे MDM, मतलब MDM यहाँ पे मिलेगा। जनसेवा केंद्र संचालक ने खाते से निकाले 170,000 रुपये, ये मामला छपा हुआ है, अशिक्षित दंपति के अकाउंट से पैसे पार कर दिए, ललौली थाने के सिदाओं गाँव का मामला है। युवती की हत्या कर सौ झाड़ी में फेंका, दुष्कर्म की आशंका, ये जाफरगंज का मामला है। और अजयपुर गांव की टंकी बुझाएगी 4 गांवों की प्यास, दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 5 घायल, 4 गंभीर। और नहीं पहुंची कोरोना की वैक्सीन, फिर नए केस ने बढ़ाई चिंता, गेहूं खरीद केंद्र में तौल का नहीं बढ़ रहा ग्राफ, अधिकारी परेशान। नए स्कूल, एक स्कूल मिला बंद, 7 शिक्षक और 9 शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई, 2 घंटे तक जेल में खंगाली गई व्यवस्थाएं। कुछ फतेहपुर की खबरें और देख लेते हैं। कागज में खुला अस्पताल, मौके पर तालाबंदी, IIT के स्टार्टअप और नवाचार को मिला आयुध निर्माणी का सहारा, गर्मी में चलेंगी 2 विशेष ट्रेनें, 59 के प्लेटफॉर्म बदले, नई टर्मिनल बिल्डिंग को इस सप्ताह मिल सकती है NOC, 5.5 वर्ष में निस्तारित होंगे GST पंजीयन बहाल, कुछ खास बात नहीं है। युवती को रास्ते में रोक, प्रेमी ने चाकू से गर्दन पर किया हमला, अचलगंज उन्नाव का मामला है। इस तरीके से कुछ फतेहपुर की विशेष खबरें थी। तो दोस्तों इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, नमस्कार।